बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सलमान खान की एक फोटो वायरल हो रही है। यहाँ दिख रहा है कि वो कटरीना कैफ के साथ शूटिंग कर रहे हैं और उन्होंने हाफ पैंट पहनी है। इस फोटो पर उनके फैंस लिख रहे हैं कि सलमान ही ऐसा कर सकते हैं। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि थोड़ा प्रोफेशनल ढंग से पेश आना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग फोटो पर सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये वाकई सेट से ली गई है या फिर एडिटेड है। आपको बता दें कि ये फोटो असली है, ये पहला मौका नहीं है जब ये फोटो वायरल हुई है। बीते साल भी इस फोटो को शेयर किया गया था। ये फोटो एक था टाइगर के गाने माशाल्लाह के सेट से ली गई है। फोटो में सलमान और कटरीना का मिड क्लोजअप शॉट लिया जाना था, यानी कमर से ऊपर वाला हिस्सा। उस शॉट के लिए सलमान ने नीचे फुल पैंट पहनने की जगह हाफ पैंट पहन ली। कुछ जगह इसके पीछे की वजह भी पढ़ने को मिलती है। साल 2017 में कोई मोई में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक मेकर्स ये गाना मोरक्को में शूट करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वहाँ शूटिंग नहीं हो सकी, इसलिए यशराज फिल्म्स के स्टूडियो में ही मोरक्को जैसा सेट बनाया गया। सेट पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए सलमान ने हाफ पैंट में गाने का हिस्सा शूट किया। इस गाने के डांस स्टेप वैभवी मर्चेंट ने कोरियोग्राफ किए थे, कौसर मुनि के बोल थे और साजिद वाजिद ने म्यूजिक दिया। वाजिद खान और श्रेया घोषाल ने मिलकर माशाल्लाह का गाना गाया था। YRF के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इस गाने की मेकिंग का वीडियो भी रिलीज किया गया था। कटरीना ने मेकिंग के दौरान बताया कि शूटिंग से 4 दिन पहले उन्होंने गाने के लिए रिहर्सल करना शुरू कर दिया। हालांकि जिस दिन गाना शूट होना था उससे एक रात पहले वायरल हो गया, लेकिन फिर भी कटरीना ने अगले दिन गाने की शूटिंग की। सलमान कहते हैं कि कटरीना की शक्ल देखकर पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, फिर भी उन्होंने पूरी एनर्जी के साथ गाना शूट किया। एक था टाइगर को कबीर खान ने बनाया था, ये YRF स्पाई यूनिवर्स की पहली फिल्म थी। उसके बाद टाइगर जिंदा है, वॉर, पठान और टाइगर 3 इस यूनिवर्स में आकर जुड़ी। फिलहाल वॉर 2 की शूटिंग चल रही है। बताया जा रहा है कि उसे 2025 में इंडिपेंडेंस डे वाले हफ्ते में रिलीज किया जाएगा। बाकी सलमान की बात करें तो उनकी अगली रिलीज सिकंदर है, इसे AR मुरुगादास बना रहे हैं। ये 2025 में सिकंदर रिलीज होने वाली है। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी मेरे साथी यमन ने, मैं हूँ मनीषा और सिनेमा से जुड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मज़ेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नज़र आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप यूट्यूब के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा? जाना होगा ललन टॉप के यूट्यूब चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा, फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।